तो जी नाश्ता स्टार्ट करने गए, मेरी बेगम साहिबा आ गई हैं, मेरी बातें समझ के सुन के आ गई हैं कि भाई अभी जो है ना नाश्ता करना लाजमी होता है, तो बेचारी ने बात मैंने मान ली है और हम नाश्ता करने लगे। रोज़ रोज़ भूख नहीं है, भूख नहीं करने से अच्छी बात नहीं है, इंसान कमज़ोर पड़ता है। तो अभी नाश्ता तो जनाब जी हमारा नाश्ता लग गया है, सिर्फ हमने पराठे में जाके बाहर से लेकर आया हूँ, बाकी अलिजबा ने मेरे लिए हाफ फ्राई एग बना लिया है और साथ में अपने लिए सालन आज यूज़ किया उन्होंने। नाश्ते का मूड नहीं था तो मैंने आज बोला भाई नाश्ता करना ज़रूरी रहता, डेली डेली आप नहीं खाती कुछ अच्छी बात नहीं है, तो अपने लिए सालन लेकर आई हैं। तो मैंने थोड़ा सा उनको समझाया है कि नाश्ता करना ज़रूरी होता है लाइफ में, नाश्ते के बगैर इंसान फिर क्या फ़ायदा हुआ, इंसान काम भी नहीं कर सकता, बीमार होने लग जाता है जब इंसान कुछ खाता पीता नहीं। तो समझा के उनको मैंने अभी नाश्ते पर एग्री कराया और साथ में मेरी चाय भी है। तो खैर ये हमारा एक हेल्दी सा नाश्ता है, हेल्दी नहीं कह सकते इसको, कहते हैं कि जाहिर सी बात पराठे बाहर के हैं। तो एनीवे फिर हमारे पास आज का टाइम ही है क्योंकि हमने जाना है, आज आज की ट्रेन है हमारी, तो जाहिर सी बात है काम भी बहुत होंगे, पता है बैग वगैरह थोड़े से एंड करना है, पूरे फाइनल हो चुके हैं, बस थोड़ा टचअप करना है कोई चीज़ रह ना जाए। तो भाई ये हमारा 15 to 18 दिन का ट्रिप है, जाहिर सी बात है ट्रिप ही कहेंगे क्योंकि आप यहाँ से पंजाब जा रहे हैं, फिर वहाँ पर इनके प्रैक्टिकल्स हैं तीन, तो प्रैक्टिकल से बात अल्लाह खैर करे मुल्क के हालात तो बेहतर हो गए हैं, अब देखो क्या चल रहा है क्या नहीं, सीन जो भी आप बताते हैं। चलें अब नाश्ता करते हैं, अलीबाग का मैं वेट करता, मैंने सोचा थोड़ा आप आवाम के साथ अपनी सब्सक्राइबर के साथ थोड़ी सी गपशप कर लें, क्योंकि मैं अलीबाग का वेट कर रहा हूँ और फ्रेश होकर जैसे आएंगी तो अब नाश्ता स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की सुबह का आगाज़ हो गया है और अभी मैं प्याज काट के आई हूँ, तो ये मेरी आंखों में आंसू इसलिए है और कोई बात नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ, जो अभी साथ में लेकर जाना है वो बनाना है, तो सब्ज़ी मैंने सारी बना ली है, तो मैंने सोचा अभी वीडियो की शुरुआत भी कर लेती हूँ। अभी तक हस्बैंड मेरे नहीं आए, शायद कोई बाहर का काम कर रहे होंगे, तो चलें अभी चलते हैं, जो कुछ बनाना है और थोड़े से काम रहते वो भी करने हैं, क्योंकि आज हम जा रहे हैं और तकरीबन 15 को मेरा पहला प्रैक्टिकल होगा और फिर 30 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे, तो काफ़ी दिन लग जाएंगे हमें वहाँ पर। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या थोड़ा सा काम है और थोड़े से कुछ लेना हो तो वो भी साथ में ले लेंगे, थोड़े से कपड़े रहते हैं, चले अभी वो भी काम करते हैं। अगर आज ट्रेन ना लेट हो इसलिए आज पहले ही चले जाएंगे, तो इसलिए जब भी जा जाएंगे तो जल्दी जल्दी कर देंगे, तो इसलिए मैं जो कुछ साथ में लेना होगा वो भी पका लेती हूँ और थोड़ी सी पैकिंग भी कर लेती हूँ, कुछ भूल ना जाए। ठीक, ओके। आज जो कि हमें जाना है गांव ट्रेन में, अभी आज हमारी 10 बजे की ट्रेन है, अभी हमारी जाने की तैयारी हो रही है, मतलब जो कुछ साथ में लेकर जाना है वो भी बनाना है, और पहले उठ के घर के सारे काम किए हैं, आ तो चले जाएंगे इसलिए बिल्कुल साफ़ सफाई घर के काम भी कर लिए, बर्तन भी धो लिए। और यहाँ पर देखें अब मैं वकार भाई के कमरे में बैठी हूँ यहाँ पर, क्योंकि एसी चला हुआ है तो ये कमरा ठंडा है, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो अभी चलते हैं खाना बना के ना, फिर नहा धो के भी तैयारी करते हैं क्योंकि टाइम बहुत जल्दी ही गुजर जाता है। तो अभी मेरे हस्बैंड गए हैं जुम्मा नमाज़ पढ़ने के लिए, जब वो आएंगे तो फिर वो भी जो बाकी का सामान होगा थोड़ा सा वो भी अपना पैक करेंगे। चलिए अभी जल्दी से सारे काम कर लेते हैं, वरना उस दिन की तरह आज ट्रेन ना लेट हो जाए, उस दिन भी बड़ा हादसा हुआ था, आज तो घंटा पहले ही जाएंगे, उस दिन सीख मिल गई थी देर से जाने से क्या होता है। चलिए अभी जल्दी से सारे काम कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने प्याज डाल दी है, पहले मैं प्याज और टमाटर दोनों साथ में डाल देती थी, जो कि मुझे कमेंट्स में बताया सब्सक्राइबर्स ने कि ये गलत है, आप जब तक प्याज हल्के से ब्राउन नहीं होते तो आप टमाटर ना डाला करें, तो इसलिए अभी मैंने प्याज डाले हैं और जब ये थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो मैं टमाटर डाल दूँगी। तो ये मैं इसलिए करती थी कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है ना, फिर इसलिए गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं, तो मेरी गलती सुधारें आप सब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। चलें अभी जब तक ये ब्राउन होते हैं मैं कुछ और चीज़ बना लेती हूँ। यहाँ पर हमने चावल भिगो के रख दिए पानी में, जब तक हमारे ये मसाले रेडी होते तब तक हमने चावल भिगो के रख दिए, तो अभी हमारे प्याज भी बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्राउन होने वाले हैं, तो उसके बाद हम टमाटर डालते हैं और ये लहसुन भी हमने पीसना है। यहाँ पर हमने टमाटर और लहसुन भी डाल दिए,
अब जब तक ये मिक्स होते हैं तो हम मिर्च लाल मिर्च और क्या होता है नमक और दूसरी चीज़ें बना लेते हैं जब तक ये अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। चलो ये मसाले तो हमने डाल लिए हैं। आज हमने हल्दी नहीं डाली क्योंकि हल्दी के बगैर चावल बना रहे हैं। तो ये हमारे मटर धुले हुए थे, अभी इनको भी हम डाल देते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। चलिए ये भी हमारे डल चुके हैं। अभी पानी हमने भी डाल दिया है, पानी भी डल चुका है तो अभी इस पर हम लेट देते हैं जब तक ये बॉईल होता है। हमारे चावल भी उधर भिगो के रख दें। तो ये रही हमारे हस्बैंड की चाय क्योंकि इनके सर में है बहुत दर्द। ये रही आपकी चाय। थैंक यू सो वेरी मच। आज मेरे सर में बहुत दर्द है क्योंकि कल अभी गिर रही कल जो है ना काम कम्प्लीट करते करते ऑफिस से थोड़ा लेट हो गया था और लेट हुआ ना, आज फ्राइडे था इस वजह से जो है ना थोड़ा जल्दी उठा काम निपटा है। चले अभी अपनी चाय पिए, मैं जा रही हूँ नहाने। चले आप जो नमाज़ पढ़ें। और एक मेरा मैसेज था कि आज से हम जो है ना शायद पंजाब में नेटवर्क का इशू चल रहा है, अगर नेट ओपन नहीं हुआ तो कल हमारा ब्लॉग शायद नहीं भी आ सकता है। तो पब्लिक के लिए ये मैसेज है छोटा सा कि हम जो टाइमिंग रखने जा रहे हैं ब्लॉग की वो 2 से 4 के बीच में रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब से जो हमारे ब्लॉग आएंगे वो 2 या 4 के बीच में आएंगे, ठीक है। ओके तो बस हमारे ब्लॉग का इंतज़ार इस तरह कीजिएगा और आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू और ख्याल रखिए। जुम्मा मुबारक। जुम्मा तो भाइयों सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। आज जुम्मे का नमाज़ का टाइम है तो अभी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने और उसके बाद मुझे जाना है अपने एक छोटे से आइटम लेने थे मुझे घर के लिए, जैसे वहाँ पंजाब जाने के लिए जिसमें आप ब्रश कह सकते हैं और टूथपेस्ट कहते हैं वो हम नया ही लेते हैं, तो वो लेने जा रहे हैं। उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जुम्मे का टाइम बहुत कम रह गया। जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से सबको, बाकी सबके लिए मेरी दुआ रहेगी हमेशा और दुआ भी करेंगे और आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं जुम्मा पढ़ने। उसके बाद अभी दिल की आइसक्रीम खाने को तो आइसक्रीम लेने आए, ज़्यादा सी बात है कोई ठंडा खाने का दिल कर रहा था, काफ़ी गर्मी हो रही है तो अभी लेते हैं कोई कौन छोन और पानी वगैरह, बहुत दिल कर रहा ठंडा खाने का तो अभी आइसक्रीम ट्राई करते हैं। कौन लेते हैं भाई कौन? ये तुम कौन सी खाओगे? तो जी अभी सदर आए थे हम, जैसे दोस्त को भी ये काम था मुझे भी कुछ लेना था तो अभी सदर आए, ये कराची का दिल कहलाता है। तो खैर हम मार्केट से हट के थोड़ा पीछे वाली गली में आए हैं, दोस्त गया सामने कुछ लेने और मैं यहाँ पर अपनी धनों के साथ वेट कर रहा हूँ और फिर जाएंगे थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे डायरेक्ट क्योंकि आज हमारी ट्रेन है। और उसके बाद जो है ना पैकिंग वगैरह भी थोड़ी सी कंप्लीट थोड़ी सी रहेगी, जैसे कुछ सॉक्स वगैरह जैसे या कुछ छोटे मोटे आइटम्स जो रख लेते हैं इंसान तो वो देखने के, अगर हैं तो ठीक है नहीं है तो फिर वो रख लेंगे। अभी मैं और दोस्त आए हैं यहाँ पर, उसके बाद जैसे ही फ्री होते हैं डायरेक्ट निकलते हैं होटल पे चाय वाय पीने। फालसे का शरबत पीने का है भाई, ठंडा होता है, मैं तो डरता हूँ भाई ये खट्टे होते हैं गला ख़राब ना करे। तो अब दोस्त कहता नहीं नहीं होता तो ज़बरदस्ती लेकर आया यहाँ पर फालसे का शरबत पीने,
अलीबा को पूछा, उन्होंने कहा मुझे नहीं पीना, अब खैर मैं पी रहा हूँ। खैर वो अपने घर पे फालसे खा रही होती हैं शायद इस वजह से। तो मैं जी फालसे का शरबत पीने लगा, चेक करते हैं इसका रिव्यू देते हैं कि किस तरह ही। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, एक घूट भरा है, ठंडक फील हुई अंदर जाके, बहुत बेहतरीन। अब जो है ना ये मैं इसका रिव्यू देने जा रहा था कि ये बहुत बेहतरीन है। मुझे लगा खट्टा होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन बनस्पत खट्टे के नहीं है खट्टा, और जैसे ही मैंने घूट भरा ठंडक फील हुई। तो आपको गर्मियों में मैं कहता हूँ कि लेना चाहिए कि है, और तरबूज का जूस बहुत, नो डाउट, बहुत औसम। घर आ गए, अभी जाते हैं मुँह धोते हैं, फ्रेश होते हैं। सिर्फ हमारे पास 10:15 बजे ट्रेन है, और अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो अम्मी भी घर आ गए हैं, आए अम्मी से मुलाकात करते हैं, उनसे जा लेते हैं। आज हमारी ट्रेन है और हालात थोड़ा सा बेहतर है, शुक्र अल्लाह का। तो कोई न्यूज़ व्यूज़, कोई ऐसी अपडेट बेल होगी, मतलब हालात अभी बेहतर है ना। तो ये हमें डर था कि अभी पंजाब जाने की, ये ना हो कि हालात डाउन हो जाएँ, उल्टी सीधी हरकतें हो जाएँ। तो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख, कि हमारे जाने से पहले ही हालात ठीक हो गए। तो अलीश भाई ने खाना बना लिया मेरे सर के लिए, और आप भी खा लेना रात को, चावल वगैरह आप लोग लिए रख के जा रहे हैं, हम सिर्फ थोड़ा सा लेके जा रहे हैं, ठीक है। और हमारा प्रैक्टिकल पहला 15 को है, तो हम इसलिए 2 दिन पहले जा रहे हैं कि 1 दिन पहले स्कूल का चक्कर लगा लें, क्योंकि वहाँ भी स्कूल वगैरह जो है ना बंद थे। अच्छा, तो इसलिए एहतियातन हमने आज की ट्रेन करी, और 13 को पहुँचेंगे, यानी 14 तारीख को हम स्कूल का चक्कर भी लगा लेंगे, 15 को पैरा प्रैक्टिकल है। तो एक 15 को है, दूसरा 23 को है, तीसरा जो है ना 29-30 को है, यानी 3 प्रैक्टिकल है। तो जिस दिन लास्ट प्रैक्टिकल होगा उसके अगले दिन की हमारी टिकटें होंगी, ठीक है अम्मी। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखना, पानी मीठा मैंने डलवा लिया था। अच्छा, ठीक है, बाकी ख्याल रखना, फिर देखते हैं इंशाल्लाह, सही है अम्मी। खाना खाने आपको डाल के देते हैं अलीश भाई, खाना खाओ, और वो कार आ रहा है जब तक, उसने कहा मैं आधे घंटे के बाद आ रहा। तो आप नहीं खाना खा रही? नहीं, मैं रात को। अभी खाया आपने? अभी ऑफिस में खाया। चलें, अभी आप ऑफिस से अभी आए हैं? हाँ, अभी जो आई। चलो फिर एक काम करें, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, 1 घंटे में गाड़ी आ जाएगी, फिर गाड़ी में बैठ के हम सीधा ट्रेन निकल जाएंगे, ठीक है अम्मी। फिर चलोगे ना साथ? चलें, बाकी फिर बातें बात करते हैं, हम खाना खा लें, ठीक है अम्मी। चलो ठीक। मैडम साहिबा ने आज बनाई हैं आलू मटर एंड चावल, तो ये इसलिए क्योंकि रास्ते में एक नॉर्मल खाना भी मिल जाएगा हमें, ज़्यादा मतलब स्पाइसी भी नहीं और नॉर्मल, बहुत ही टेस्टी। मैं और ये खा रहे हैं, थोड़ा सा सर में दर्द है इस बार के, ऐसी है। तो मैं डाउन है आपके आज? सफ़र के दिन भी सर के दर्द, तो ये इशू बहुत है अलीशबा के साथ। खैर अभी खिलाते हैं पैनाडोल वगैरह, ताकि सफ़र में तो आराम से सोती रहें। तो खाना खाते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। बने दोस्त ले आए गाड़ी और पिक करने आ गए, अभी टाइम हो रहा है 8:41, तो अभी चलते हैं नीचे, अजान हो रही है। एक्स्ट्रा यहाँ से पानी की बोतल और ग्लेज़ वगैरह ले लें, ताकि रास्ते में हम छोटी-मोटी चीज़ें खाते रहें और नींद ना आ रही हो। तो वो बस सामान वगैरह सामान ले रहे हैं भाई से, और उसके बाद चलते हैं, गाड़ी वेट करिए। और वाइफ भी मेरी आ गई, हम कैंट स्टेशन आ गए हैं, ठीक है। और स्टेशन आते ही हमने सामान अपना रख लिया, और टाइम से समझे मैं तकरीबन 1 घंटा पहले आ गया हूँ, और हमारी ट्रेन वहाँ नहीं लग रही, हमारी ट्रेन इस तरफ लगी है। तो अभी वकार का वेट कर रहे हैं, वाइफ और अम्मी को तो अंदर बिठा के आ गया हूँ, पानी भी दिया मैंने उनको, और कुछ खाना होगा तो उनकी चीज़ें भी रखी हुई हैं। बाकी वकार देखो कब आता है, उसको बताना है कि भाई उस तरफ नहीं जाए, इस तरफ आ जाए। तो बस अभी वेट कर रहे हैं वकार का, ट्रेन अभी लगेगी 9:30 बजे। इस वक्त मैं टाइम से 1 घंटा पहले आया हूं, तो जिन्होंने मुझे मशवरे दिए थे लास्ट टाइम उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि बहुत लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे रहे थे, मैं उनको पिक भी कर रहा हूं। तो जितने भी आइडियाज़ दे रहे थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम टाइम से 1 घंटा पहले आया करेंगे, या एटलीस्ट 45 मिनट पहले आया करेंगे, ताकि ट्रेन खींचने तक नौबत ही ना आए, ठीक है। भाई और बहनों बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट का, मोहब्बत का, इसी तरह बनी रहेगा, आपकी मोहब्बत और दुआओं की ज़रूरत है हमें। तो अभी यहीं पर हम पहुंच गए वकार का, वेट करते हैं देखो कब तक। भाई यार यहाँ से जाती है ग्रीन लाइन, जो कि बहुत ही उम्दा किस्म की सर्विस है यहाँ पर, ग्रीन लाइन जिसको कहते हैं, AC सर्विस।
तो यहाँ से वो जाती है, हमारी ट्रेन भी दूसरी बार हमें यहाँ आना पड़ रहा है, यहीं से जाना पड़ रहा है। तो अब जो है वकार आ चुका है, तो अब यहाँ जाते हैं। 9:30 बजे ट्रेन लगना था, 9:40 हो रहे हैं, लग गई होगी। अपनी सीटों पे जाके बैठते हैं, मम्मी भी अंदर वेट कर रही है, वकार भी आ गया है। तो बस अभी मिलते हैं इनसे, इनको अल्लाह हाफिज़ करते हैं, क्योंकि 20 से 30 मिनट के बाद ट्रेन चल पड़ेगी। हमें इजाज़त दीजिए और आप खैरियत से घर जाइए वकार, ठीक है? और हमें इजाज़त दीजिए, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। बाकी नेटवर्क वगैरह है नहीं, जैसे आते मैं कॉन्टैक्ट कर लूँगा, वरना कॉल पर रब्ता करेंगे, ठीक है? अभी बाकी पैकेजेस वगैरह मैं वहीं कर लूँगा, ठीक है? अभी अपना ख्याल रखिए, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ, बस घर गर्मी घर जाओ और आराम से खाना वाना खाओ और रेस्ट करो, ठीक है? ठीक है अभी जी, अभी ट्रेन चलने में सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट रह गए हैं, और यहीं पर अपना हम लोग व्लॉग एंड करते हैं, अपना सफ़र जारी रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारे भाइयों और बहनों को, हमारे मोहब्बत करने वाले लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे लिए दुआ कीजिए, और हम आपके लिए दुआ करते हैं। सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक, और तमाम के मसले मसाइल अल्लाह पाक हल फरमाए। अपना ख्याल रखिए, हमें मोहब्बत देते रहिए, हम आपके साथ मोहब्बत से कनेक्ट रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।